सर रिफंड भी हो जाता है अगर ये अगर आप लोग नहीं करते हो कैंसिल होती फ्लाइट की तो आपका रिफंड हो जाता है 100% रिफंड आता है इसमें आपका फास्ट चार्ज तो फ्रूट्स खा रही है थोड़ा थकती है वो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी सर देखिए तीन कैटेगरी है फ्लाई की मीडियम हाई एंड लॉन्ग मीडियम फ्लाई 1500 रुपये की है 3 to 9 मिनट्स की हाई फ्लाई 4500 की है 15 से 20 मिनट की लॉन्ग फ्लाई 7000 रुपीज़ की है 30 to 40 मिनट्स की इसमें हाइट का डिफरेंस रहता है एक्चुअली आपकी जो मीडियम फ्लाई की हाइट रहती है 3500 फीट की रहती है एंड जो दो फ्लाई लास्ट की है इसमें 7000 फीट रहती है मैक्सिमम एंड जो आपका अगर फॉग ना हुआ तो हम इस दो फ्लाई में आपको हिमालय पीक दिखाएंगे यहीं से मीडियम क्या है और डिटेल बताओ मीडियम 1500 रुपये की है 3 to 9 मिनट्स की यस सर मैं आता हूँ 3-9 कैसे होते हैं ये सब होता है नेचुरल विंड पे जो विंड और वेट के अकॉर्डिंग होता है पूरा फ्लाई जैसा वेट उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्लाई रहेगी इससे टाइम कन्फर्म नहीं होता इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपको आपकी सेफ रहेंगे भी कैसे होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लाई देते हैं आप सर 72 है मेरा 72 अप्रॉक्स 75 मांग लेता आपका मैम आपका ये नहीं करेंगे आपका फ्लाई करेंगे ठीक है सर आपका फ्लाई हो जाएगा आपका फ्लाई हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए कुछ क्या प्रोसीजर है सर आपको ये फॉर्म टोकन दूंगा ऐसे ये टोकन आपका पॉइंट तक जाएगा फिर वहाँ पर आपका एक फॉर्म होगा सर अंडरी फॉर्म होते हैं हमारे अच्छी वहाँ सब चल गए हैं वहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा फिर आपका फ्लाई होगा वहाँ पर ठीक है जी सर कौन सी ले रहे हो मीडियम
तरफ लेके जाते हैं ये फ्लाइंग के लिए। यहाँ पे बस बुकिंग ऑफिस है इनका। टिकट बुक कर लिया हमने, अब हम अपनी कैब में जाएंगे पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं। सो फ्रेंड्स, हम टिकट बुक करके पैराग्लाइडिंग के लिए हम निकल रहे हैं आगे। सो आप देख सकते हैं जा रहे हैं काउंटर की तरफ। सो आप देख सकते हैं मैं जा रहा हूँ काउंटर की तरफ ब्यूटी के साथ बैठ के टीका लगाए खरीद रहे हैं। टिकट ले रहा हूँ थोड़ी तो। बंद रहते खुलते रहे। एड्रेस 25 से क्या करना है ऊपर फ्लाइंग साइट पे सबमिट होती है, जो ट्रेलर आपके साथ फ्लाई करेंगे ऐसे टोकन आपको सबमिट करना है। ठीक है ठीक है। तो आई कैन गो अहेड। हाय बेबी, हाय, ऑल द बेस्ट। अकेले जाना है क्या वहाँ पे? ये भी आ सकती है वहाँ पे। अच्छा, तो हमने वो टिकट सबमिट कर दिया और ये कूपन मिला है। ये कूपन हम लोग फ्लाइंग साइट पर लेके जा रहे हैं। Are you excited? Yes. Our... Are you nervous?
फ्लाइंग साइड है, तो हमें वहाँ जाना है यहाँ से चल के। नहीं कर रही है क्योंकि उसने ये पहले दो बार ऑलरेडी कर लिया है। एक्साइटमेंट होती है फर्स्ट टाइम वाली, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैं दो से तीन बार कर चुकी हूँ ऑलरेडी। कहाँ पे किया मैंने? बीर बिलिंग में किया है। तो और हम जाएंगे वहाँ नीचे, दिखाता हूँ आपको। नीचे लैंडिंग का पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ ही देर में, सी माय पैराग्लाइडिंग वीडियो। All the best. Thank you.
क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे वीडियो और फोटोज बने होते हैं, वही लैंडिंग के ही सामने एक छोटा सा हाउस जैसा होगा, उसके अंदर एक दो बंदे कंप्यूटर और कैमरा और मेमोरी कार्ड्स पेन ड्राइव ये सब लेके बैठे होते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपको फोटोज़ और वीडियोज़ चाहिए आपके पैराग्लाइडिंग की तो आप ले सकते हो, 300 फॉर द फोटोज़ एंड 300 फॉर द वीडियोज़, टोटल 600, एंड दे कैन ट्रांसफर दोज डेटा इन अ पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड व्हाटएवर यू हैव, या फिर आपका अगर एंड्रॉयड फ़ोन हो तो उसमें ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आईफोन के लिए उन्होंने कहा कि आप वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कलेक्ट नहीं कर पाया अपना डेटा, बट नो इशू, मेरी किट ने मेरा पैराग्लाइडिंग का वीडियो ऑलरेडी मेरे आईफोन से ही रिकॉर्ड कर दिया था, सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे रिकॉर्ड किया है। सो ये नकुचियाताल पैराग्लाइडिंग था, स्काई बर्ड के थ्रू किया था ये। सो अब हम जा रहे हैं अगली जगह, निकल गए हम लोग पैराग्लाइडिंग सेंटर से बाहर, मिलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं अभी नकुचियाताल, कमल के फूल तो यहाँ पे जुलाई के महीने में अभी तो है नहीं, अभी बस पत्ते ही पड़े हुए हैं, और आप अभी बस व्यू देख सकते हैं कैसा दिखता है ये कमलताल, धूप भी लग रखी है बाहर, काफ़ी कूल एरिया है, पीसफुल। कमल के फूल लगेंगे जब जुलाई में आएंगे तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग जगह का नाम है कमलताल। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ से, कमलताल ऊपर पहाड़, पानी यहाँ पे कमल, देखो घोड़े, फ्रेंड्स ये है नकुचियाताल जो अभी आ गया है, कमलताल के बाद आया है ये नकुचियाताल। इसे नकुचियाताल क्यों कहते हैं, कुछ है क्या नाम? नाइन कॉर्नर्स हैं इसमें। अच्छा, इसमें नाइन कॉर्नर्स है फ्रेंड्स, इसलिए इसे हम नकुचियाताल कहते हैं। देख सकते हो आप यहाँ का व्यू कैसा है, पूरा क्लियर दिखाया जा रहा है दोस्तों आपको, एकदम क्लियर पानी की तरह। अभी हम यहाँ पे उतरेंगे और आपको दिखाएंगे और डिटेल में। खुद से पूरी लेक में कहीं भी घूम के आ सकते हैं। वाटर रोड से अंदर आप जाएंगे जितना वॉक करेंगे उतना आगे बढ़ेगा, 9200 मीटर से जाएगा अपने प्रॉपर पॉइंट से आपके कंटिन्यू चलने पे। अगर आप एक आपको कौन सा होगा, आपको अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन करना है, इसके अंदर दौड़ना है, आप दौड़ भी सकते हैं, डेली दौड़ भी कर सकते हैं, जो आपको परफेक्ट लगे। और ये आगे प्रोपोगेट कैसे करता है अपने आप, सॉरी सर, ये आगे अपने आप कैसे बढ़ेगा? सर देखिए, जब आप इसके अंदर कंटिन्यू चलेंगे ये तब अपने पॉइंट से आगे बढ़ेगा, जैसा वॉक करता है नॉर्मल वॉक, आप रोड पे चल रहे हैं सोचे पानी पे चल रहे हैं इसके अंदर जाके।
है, एक कयाकिंग का भी चेंज है, प्रॉपर सा मैम जा सकते हैं आप, चार लोग भी जा सकते हैं मैम। देखिए गाइडेंस रोड के उससे बता हुआ है, ये हमारे हाथ पर रहता है, डायरेक्शन हम चूज करेंगे किस साइड जाएगा सर। आप बोलिए चलना है ताकि से बोटिंग कर सकते हैं, बोटिंग लेक पे जाके यहाँ देख रहे हैं। नकुचियाताल में है अभी, अभी ऊपर अभी बोटिंग हम दूसरे लेक पे करेंगे इसलिए हम यहाँ नहीं कर रहे। सो मिलते हैं कुछ देर में। एडवेंचर ग्रीन वाटर जिप लाइन। फ्रेंड्स हम नकुचियाताल से निकल रहे हैं अभी, काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे, फ्रेश हवा भी अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल भी थे। मैं आपको